तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अजमेर से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एमटी की स्क्रीन पर, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान पेपर लीक मामला, इससे जुड़ी खबर है। 29 जनवरी को प्रदेश के 28 जिलों में दोबारा होगी परीक्षा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं एवन टीवी की स्क्रीन पर। इसमें ग्रुप सी के अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे और इन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को अपलोड होंगे। तो अभ्यर्थियों को दो ग्रुप में विभाजित किया गया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अजमेर। एवन संभाग प्रभारी अभिजीत दवे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अभिजीत, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, आरपीएससी की ओर से पिछले साल जो अंतिम महीने में जो वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आयोजित की गई थी विभिन्न चरणों में, उसमें ग्रुप सी का जो कंपल्सरी पेपर था सामान्य ज्ञान का, वो परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया था, जिसके बाद आरपीएससी ने आनंद फलन में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था और नई तारीख 29 जनवरी तय की थी। तो 29 जनवरी को ये परीक्षा जो है वापस से ली जाएगी उन तमाम ग्रुप सी के अभ्यर्थी जिनकी संख्या करीब 1.25 लाख से ज्यादा है। तो उन 1.25 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 29 जनवरी को दो ग्रुपों में विभाजित की गई है, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जो सुबह 10:30 से 12:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 होगी। इन तमाम अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है वो कल आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आरपीएससी में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें तमाम क्वेरीज जो होंगी कैंडिडेट जो है वहां पर फोन करके ले सकते हैं। और इस परीक्षा जो वापस से हो रही है पेपर लीक के कारण, इस परीक्षा की सेंसिटिविटी और गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए आरपीएससी ने इस बार फुल मैकेनिज्म साउंड प्रूफ सिस्टम तैयार किया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसमें अगर अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई भी शिकायत होती है या इस तरह के माफिया जो वापस से एक्टिव होने की कोशिश करते हैं तो आरपीएससी को तुरंत उसकी सूचना करेंगे। तमाम 28 जिलों में ये परीक्षा वापस से कंडक्ट होगी और 28 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ आरपीएससी की मीटिंग हो चुकी है। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र किस तरीके से सेंटर्स तक पहुंचेंगे इसको लेकर एक प्लान अब तैयार किया गया है और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसको लेकर आरपीएससी चेयरमैन की ओर से तमाम 28 जिलों के कलेक्टर एसपी को ताकीद कर दिया गया है। तो 29 जनवरी को ये परीक्षा वापस होनी है, इसको लेकर आरपीएससी ने कमर कस ली है। प्रश्न पत्र जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं, कंट्रोल रूम 27 तारीख से स्थापित होगा, कल एडमिशन कार्ड जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दवे, संभाग प्रभारी अजमेर। ये बता रहे थे, ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर उस बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसमें आरपीएससी के जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था वरिष्ठ अध्यापक वाला, वो 28 और 29 अभ्यर्थियों को इसमें दो ग्रुपों में विभाजित किया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दो ग्रुप बनकर दो पारियों में ये परीक्षा होगी।